हेलो एवरी वन एंड गाइस अकाउंटेंसी के एमसी क्यूज डिस्कस करेंगे सेवेंथ क्लास एम सी क्यूज का एंड मैं बार बार हर क्लास के अंदर रिपीट कर रहा हूं कि लेक्चर्स देखो तो सारे देखना एक आधा लेक्चर देख करके कोई फायदा नहीं होगा ठीक है तो सारे देखोगे तो, तो कुछ ना कुछ रिटर्न आएगा हाथ में एग्जाम डेट पर और वो रिटर्न एग्जाम डे पे ही आएगा उससे पहले आगे पीछे मत रिटर्न एक्सपेक्ट करना है ना रिटर्न डेफिनेटली आएगा अगर आप सारे लेक्चर्स देखोगे पेपर से आने के बाद आपको रिटर्न जो है वो फील होगा कि रिटर्न कुछ ना कुछ आपको मिला है ओके सो सेवेंथ क्लास है और उसको शुरू करते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन देखो आपने एक टर्म सुना होगा इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली वेरियस एरिया से रिलेटेड uh, सरकार जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देती है जो कंपनीज को फॉलो करने होते हैं वाई फॉर्मुलेटिंग द अकाउंट्स तो अलग अलग टॉपिक्स होते हैं उसके अंदर सिमिलरली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या जिसको बेसिकली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम इस तरीके से लिखते हैं आई ओके तो एग्रीकल्चर वाले कौन से हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडी थर्टी एट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्स इज ऑफ द क्वेश्चन जो हो सकता है कि, बहुत कम चांस है कि पेपर के अंदर पूछा जाए और आप जाहिर सी बात है सिर्फ मेरे वीडियो तो देखते नहीं हो यूट्यूब के ऊपर और भी लोगों के वीडियो देखते होंगे कोर्सेज भी खरीदे हुए होंगे आपने आपको लगेगा सर ये तो किसी ने भी नहीं कराया तो किसी ने नहीं कराया इसलिए मैं यहाँ पर करा रहा हूँ प्राइमरी <laughs> रीजन ही वो है क्योंकि पूछ सकता है यूपीएससी इसके अंदर इंडियन अकाउंटिंग रख सको तो रख लो मैं खुद बोल रहा हूँ uh, एक या दो परसेंट है इसीलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला है आंसर होगा इसका ऑप्शन डी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फोर्टी तो पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ सो हेर इज इट

108 operating segments 109 financial instruments 10, 110 consolidated financial statements 111 joint arrangements 112 disclosure of interest in other entities 113 fair value measurement 114 regulatory deferral accounts 115 revenue from contracts with customers and 116 is leases उसके बाद ए एस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए एस टू इनवेंट्रीज सेवन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एट अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स टेन इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ट्वेल्व इनकम टैक्सेस सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाइनटीन इम्प्लॉय बेनिफिट ट्वेंटी अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्कलोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस ट्वेंटी वन इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरन एक्सचेंज रेट 23 borrowing costs 24 related party disclosures 27 separate financial statements 28 investment in associates and joint ventures 29 financial reporting in hyperinflationary economies 32 as financial instrument presentation 33 is earnings per share 34 interim financial reporting 36 impairment of assets 37 provision contingent liabilities and contingent assets थर्टी एट इज इंटेंजेबल फोर्टी फोर्टी वन इज एग्रीकल्चर ओके सो दीज आर योर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब इसके अंदर मैं एक बार दोबारा से आपको लिस्ट में घुमाऊंगा और इसमें मैं अब आपको ये बताऊंगा कि जो आपने डेफिनेटली याद करने हैं सारे हो सके तो सारे कर लोगे जो डेफिनेटली याद करने हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ए एस वन जीरो फोर को याद आप करेंगे ठीक है वन जीरो थ्री को भी बिजनेस कॉम्बिनेशन को भी आप याद कर लेंगे उसके बाद आप इसके अंदर याद करेंगे वन जीरो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ओके एंड उसके बाद आप बेटा याद करेंगे रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट्स को याद करेंगे दैट इज वन वन फोर रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कंज्यूमर वन वन फाइव लीजेस को याद करेंगे वन वन सिक्स ओके उसके बाद ए एस टू इन्वेंट्रीज को याद करेंगे ए एस सेवन को याद करेंगे ए एस ट्वेल्व दैट इज इनकम टैक्सेज याद करेंगे सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाइनटीन इंप्लॉय बेनिफिट्स को भी याद आप करेंगे ट्वेंटी वन इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरन एक्सचेंज रेट याद रख लेना उसके बाद बोरिंग कॉस्ट ट्वेंटी थ्री याद रख लेना एंड अर्निंग्स पर शेयर का प्रोविजन जो है वो याद रख लीजिएगा उसके बाद जी आप एग्रीकल्चर याद रखिएगा और इंटेंजिबल एसेट याद रखिएगा तो जो स्टार मार्क किए हैं उनको तो जरूर याद रखिएगा ओके नेक्स्ट विच कॉस्ट टू द बिजनेस इनमें से क्या बिजनेस के लिए कॉस्ट है ऑप्शन ए सैलरीज बी मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर सी सैलरी पेड ड्यूरिंग स्ट्राइक डी ऑल ऑफ दी अब कॉस्ट बिजनेस के लिए इनमें से क्या खर्चा है ठीक है क्या खर्चा है अब इसके अंदर ना बहुत सारे बच्चे आप खुद भी जब आंसर लगाओगे तो हो सकता है कि आप इसका आंसर ऑप्शन डी दे दो कि भाई खर्चा ही है मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर आग लग गई सामान जल गया खर्चा हो गया स्ट्राइक पे मतलब इम्प्लॉय स्ट्राइक पे है लेकिन उस स्ट्राइक पीरियड के लिए भी आपको उसको सैलरी देनी पड़ रही है खर्चा हो गया तो अल्टीमेटली ऑल ऑफ द अबव बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे बट इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है आंसर इसका ऑप्शन ए है देखो एक बड़ी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है कॉस्ट और लॉस के बीच में यानी कि कॉस्ट हो गया आपका खर्चा लॉस हो गया आपका नुकसान खर्चे और नुकसान के बीच में एक बड़ा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है ठीक है तो इस डिफरेंस को समझना जरूरी है ठीक है अब देखो कॉस्ट क्या होता है कॉस्ट वो खर्चा है आपका जो आप करते हो कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए आप अगर किसी चीज पे पैसे खर्च रहे हो तो वो आप अपने बेनिफिट के लिए उसमें खर्च रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप, आप, आपकी कोई कंपनी है आप रॉ मटीरियल के ऊपर पैसा खर्च रहे हो तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप उससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके भेजोगे आप किसी को सैलरी दे रहे हो और उससे काम करवा रहे हो तो वो भी एक कॉस्ट है क्योंकि आप उस सैलरी से उससे कुछ काम करवा रहे हो जो अल्टीमेटली आपको वो बेनिफिट देगा तो वो कॉस्ट हो गया ठीक है अब ऐसा कोई खर्चा जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा वो लॉस होता है अब आपका सामान जल गया तो ठीक है आपका खर्चा तो हुआ पर वो जले हुए सामान से आपको कोई प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है उससे आपको कोई बेनिफिट थोड़ी हो रहा है वो तो नुकसान नुकसान ही नुकसान है तो वो आपका लॉस होता है तो जैसे अगर आग लग गई सामान जल गया तो वो लॉस है वो कॉस्ट नहीं है आप अगर किसी फोरमैन को या किसी वर्कर को सैलरी दे रहे हो स्ट्राइक के टाइम पर तो वो भी आपका क्या है वो भी आपका लॉस है कॉस्ट नहीं है तो ये डिफरेंस होता है कॉस्ट और लॉस के बीच में थर्ड क्वेश्चन

मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बेसिकली कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ अगर खर्चा हुआ है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो बेसिकली आपकी इंडस्ट्री है इंडस्ट्री के अंदर आपने रिसेप्शन पे एक बंदा रखा हुआ है ठीक है जो बेसिकली डील करता है कोई भी आता है अगर फैक्ट्री के अंदर आपकी फैक्ट्री के अंदर बात करने के लिए तो वो रिसेप्शनिस्ट उससे डील करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट आप समान बेचने के लिए कोई खर्चा कर रहे हो जो मैन्युफैक्चर हो गया उसको बेचने के लिए जो खर्चा कर रहे हो सेलिंग कॉस्ट ओके डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आपका जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहां से पूरे हिंदुस्तान में आपने गुड्स पहुंचाने हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ओके नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब इनमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का क्या एग्जाम्पल है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हेड्स ऑल ऑफ दी अबव तो यहां पर क्या आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिकली जो डायरेक्टली आप लेबर यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चर पर्पज के लिए मटीरियल जो रॉ मटीरियल यूज हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बाकी के खर्चे जो आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर यूज हो रहे हैं ओके सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर कॉस्ट रिलेटेड टू फैक्ट्री ऑपरेशन जो बेसिकली प्रोडक्ट कंप्लीशन के लिए इंपॉर्टेंट है उसमें आपका डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हेड सब आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल मेजर कंपोनेंट होता है ओके एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बाकी की जो है वो भी आ जाएंगी एंड इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ओके okay, फिर एक टर्म होती है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे कि ऑफिस स्टाफ है रेंट है बिल्डिंग का ठीक है ऑफिस में आपने फर्नीचर लगा रखा है उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है और रिपेयर करानी पड़ रही है तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के अंदर आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन इनमें से क्या सेलिंग कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग एडवर्टीजिंग सेल्स सैलरी ऑल ऑफ दी अब देखो कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग गुड्स बना लिए तो गुड्स को स्टोर भी तो रखना पड़ेगा नहीं तो वो खराब हो जाएंगे पड़े पड़े तो उनको वेयरहाउस में रखना पड़ेगा तो वो तभी हुआ ना खर्चा जब आपको आपके गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए और अब सेल करने के लिए रेडी है फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स बनाए महाराष्ट्र में ठीक है अल्टीमेटली वो जाने हैं बिहार में और बिहार में जाकर के बिकेंगे अब ऐसा तो है नहीं कि महाराष्ट्र से ट्रक निकला और बिहार में लोग बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं कि जैसे ही ट्रक आएगा वैसे ही हम खरीद लेंगे जाहिर सी बात है उसको स्टोर करना पड़ेगा तो वेयर हाउस का खर्चा होगा एडवर्टाइजमेंट करोगे अपने गुड्स की तो उस उसपे खर्चा होगा सेल्समैन को सैलरीज दोगे जो बेसिकली आपके गुड्स जगह जगह जाकर के बेचेंगे तो वो सारा क्या हो गया आपका सेलिंग कॉस्ट में आ जाएगा ओके सेलिंग कॉस्ट आर कॉस्ट विच आर इन कनेक्शन विद सेल ऑफ द गुड्स जैसे कि कॉस्ट ऑफ एयर हाउसिंग एडवर्टाइजिंग सेल्स सैलरीज इट एक्स्ट्रा बड़े प्रैक्टिकल से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पास्ट ईयर के पेपर स्टडी किए हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली पेपर में पूछता है सो दीज व क्विक फाइव क्वेश्चन गाइस एंड आई होप यू गाइज एंजॉइड द लेक्चर पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा एंड डू शेयर द चैनल एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो टेक केयर एंड बाय